हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से ईवा गेमिंग 2.0 चैनल पे। तो आज हम खेलने वाले हैं दोबारा से GTA 5। और अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि माइकल और लेस्टर जो है ना, वो दोनों के दोनों टक्कन बॉस के कब्जे में है। अब अमेंडा को कैसे भी करके ना उनको वहाँ से बचाना होगा। वैसे यार अमेंडा और ट्रेवर का प्लान तो बहुत ही खतरनाक है। चलिए देखते हैं कि अमेंडा का प्लान आखिर है क्या। तो और राइट गाइज, फिलहाल यहाँ पे यार शाम हो चुकी है और हमें कैसे भी करके ना रात से पहले माइकल और लेस्टर को वहाँ से बचाना पड़ेगा। और भाई ये ट्रेवर को देखो यार, इसको ये बंदा बोल रहा था ना कि इसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो पहले ना हम यहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं। इस बंदे का नखरा भी ना बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। और बंदे को देखो यार, इसको मैंने यार एल रूबियो के आर्मी वाले कपड़े दे रखे थे पहनने के लिए, और ये बंदा यार यहाँ पे खोल खाल के बैठा हुआ है, बोल रहा है यार मुझे अपने ही कपड़ों में मज़ा आता है। भाई यार पहन ले, क्योंकि अगर तू इस कपड़ों में गया ना तो जिंदा तो वापस नहीं आने वाला है। चलो गाइस, इधर फिलहाल हम लोग यहाँ पे चलते हैं और ट्रेवर को भी ना उसे कपड़ा बदलने का मौका देते हैं। वैसे गाइस अभी जो मैं और ट्रेवर करने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, पर हमारे पास ना कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमें कैसे भी करके ना उनको वहां से बचाना होगा, और अभी हमें ना अकेले ही फाइट लेना पड़ेगा उनके पूरे आर्मी से। बाकी देखते हैं यार कि हम कहां तक सक्षम होते हैं ये करने के लिए। वैसे यार ये ट्रेवर कहां पे चला गया कपड़े बदलने के लिए? ये बंदा भी ना भाई अजीब है। इसको मैं बोली कि जल्दी कपड़ा बदल के आओ, और शायद ये ट्रेवर ही है। भाई सारे से पंगा ले लो, लेकिन ट्रेवर से नहीं। ये थोड़ा सा इसका ना दिमाग ना कभी भी घूम जाता है। लेकिन चलो यार कोई नहीं, फिलहाल यार ये भी यहाँ पे कपड़ा चेंज करके आ चुका है। अब हम लोग ना चलते हैं सीधा उस लोकेशन पे, उस टनल के पास जहाँ पे माइकल और लेस्टर वहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। वैसे यार आपको तो पता ही होगा अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा कि माइकल ना अभी भी कोमा में है, और लेस्टर की भी हालत ना कुछ ठीक नहीं थी। और यार अभी मैं यार वहाँ पे जा करके यार उस बंकर में मैंने देखा, तो वहाँ पे यार उन लोगों ने ना उसके लिए कोई भी डॉक्टर अरेंज करके नहीं रखा था। वैसे यार लेस्टर को तो होश आ चुका था, लेकिन माइकल अभी भी वहीं पे कोमा में लेटा हुआ है। तो यार हमें कैसे भी करके ना उन्हें बचाना ही पड़ेगा। अभी यार जा करके देखते हैं कि वहाँ पे, एक मिनट यार भाई, ये बंदे यार या तो हम गलत साइड पे चल रहे हैं या यार इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक सेकेंड यार, इधर ये एक सब क्यों लगा रखा है यार? एक सेकंड, मैं इसको ना बीच से निकालती हूँ इसकी। तो गाइज हमें कैसे भी करके ना वो लेस्टर और माइकल को वहाँ से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ना एक बेटर ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है। खासकर कि माइकल को, जो कि अभी कोमा में है, उसका इलाज यार मुझे करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसे ना मैं अपने निगरानी में रखूँगी। लेकिन यार देखते हैं कि क्या हम ये जो हमारा प्लान है ना वो हम कर पाते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी ना मेरा और ड्राइवर का ये प्लान है कि ना हम जा करके उनकी आर्मी को मारेंगे। पहले तो हम यार ये होप कर रहे हैं कि वहाँ पे ना डगन बॉस ना हो, क्योंकि यार अगर वो बंदा होगा ना तो वो कुछ ना कुछ यार दिमाग लगा ही लेगा, और हमारा प्लान वहाँ पे फेल हो सकता है। बाकी यार ये टोटली हमारे लक के ऊपर है कि अभी वहाँ पे डगन बॉस होगा या नहीं। इसलिए यार हम लोग ना शाम के टाइम पे जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे जनरली वो डगन का बच्चा अपने घर पे रहता है। जहाँ तक कि मैं उसके साथ ना आर्मी में रह कर कि जितना मुझे पता लगा है उस हिसाब से मैं आपको बता रही, बाकी यार कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल यार ये बंदा ना शाम के टाइम पे वहाँ पे बंकर पे रहता नहीं है, और वो जनरली अपने घर में रहता है, रेस्ट करता है। तो इसलिए गाइज हम लोगों ने ना ये शाम वाला टाइम चूज़ करा है, ताकि यार हमारा काम थोड़ा आसान हो सके और वो बंदा यार हमें वहाँ पे ना मिले। तो गाइज अगर वहाँ पे डगन बॉस नहीं रहा ना, तो हमारा काम बहुत ही आसान होने वाला है। हमें कुछ नहीं, सिंपली उसकी आर्मी को ना मार करके ख़त्म करना है, और डगन बॉस को ये यकीन दिलाना है कि यार उसकी आर्मी ना अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और यार आपको पता ही होगा कि मैंने यार उसका दो बार भरोसा ऑलरेडी जीता हुआ है। अगर इस बार भी मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया, लाइक मैं ही अगर उनको मार करके, और मैं ही अगर डगन बॉस को कॉल करके बताऊं कि ये सब हो गया है, तो शायद उसका ट्रस्ट मेरे पे बढ़ जाए, और यार वो माइकल और लेस्टर को जहाँ भी रखता है ना उसकी खबर मुझे भी देने लगे। हालांकि यार अभी वो जब दोबारा से एल रूबियो के थ्रू यार उसको अलग जगह पे उसने शिफ्ट करवाया, यानी कि इस बंकर में, तो उसने मुझे भी इसकी खबर नहीं दी। वो तो यार मैंने GPS ट्रैकर लगा दिया था एल रूबियो के गाड़ी पे बहुत ही सही टाइम पे, कि मैं उसका ट्रैक करके यार वहां तक आ सकी। क्योंकि इससे यार आप समझ सकते हो कि अभी डगन बॉस को ना मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं हुआ है। इसलिए यार हम लोगों को ना ये एक छोटा सा गेम खेलना पड़ेगा, और यार हम लोग गेम भी एक बहुत बड़े गैंगस्टर के साथ खेल रहे हैं, तो हमें यार उतनी ही सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। फिलहाल यार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम पकड़ाते भी हैं यार, तो भी यार तब का तब देखा जाएगा, तब ऑन स्पॉट यार हम क्या कर सकते हैं ना।
वो देखा जाएगा। ये ड्राइवर मुझे बोल रहा है कि या अमिंडा तुम्हारे पास बिना सिक्योरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि टक्कन बॉस और बाकी गैंगस्टर के पास है। वैसे यार ये ड्राइवर भी तो बिल्कुल सही बोल रहा है। और आपकी क्या राय है यार, क्या अमिंडा की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट में ना अमिंडा ओपी टाइप कर दो। तो गाइज हम लोग उस लोकेशन के ना बहुत ज़्यादा करीब है और इसके बस थोड़ा सा आगे जाने पर ही ना वो बंकर हमें मिलेगा जहाँ पे वो दोनों किडनैप्ड हैं। तो यार हम जल्दी से जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो भाई साहब ये हिरन यार, ओ भाई अभी इसका एक्सीडेंट होता है यार, ये जानवर भी ना बीचों बीच घूम रहे हैं। अभी देखो यार ये वापस इधर आने लग रही है। तो भाई अगर कहीं है ना किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए, कहीं ये मेरी ही गाड़ी के नीचे ना आ जाए। तो चलो गाइस यार फिलहाल हम लोग यहाँ पे लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हो यार इसके बंदे अभी भी निगरानी में है, तो हम अपनी गाड़ी ना बहुत आगे लेकर के नहीं जा सकते। हमें अपनी गाड़ी पहले यहाँ पे ऊपर के साइड में पार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोग हमें देख लेंगे ना कि हम गाड़ी से आए हैं और उनके ही आर्मी की ड्रेस पहने हैं, तो भाई साहब तो यार हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो हम लोग एक काम करेंगे ना, अपनी गाड़ी को यहीं पे जंगलों की साइड में पहाड़ पे ऊपर पार्क करेंगे। लेकिन एक मिनट यार, यहाँ आज ऑडिटोरियम में क्या हो रहा है भाई साहब? हम लोग यार नाइट में इसलिए आए हैं कि ताकि हमारा काम ना आसान हो सके, क्योंकि यार एक तो डगन बॉस भी नहीं होगा और दूसरी बात इसने जहाँ पे माइकल और लेस्टर को रखा है ना, ये जगह काफ़ी चहल पहल वाली है। यहाँ पे ना एक मूवी थिएटर है, तो यार हमें लगा था इस टाइम पे थोड़ा सा खाली होगा, लेकिन यार आप देख सकते हो यहाँ पे ऑडिटोरियम में भी यार भरा पड़ा है। तो हम एक काम करते हैं ना, पहले इधर से उतर करके देखते हैं कि ऑडिटोरियम में क्या चल रहा है, क्योंकि यार मुझे ना वहाँ पे पुलिस भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी यार हम लोग सबसे पहले ना इस ऑडिटोरियम को चेकआउट करते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे क्या चल रहा है पहले हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्लान जो है ना अभी यार बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मारामारी होने वाली है। और यार फिलहाल मैंने और ट्रेवर दोनों ने यार मस्त वाला वेस्ट पहन रखा है, तो हमने तो यार फुल सिक्योरिटी अपनी रखी हुई है। बाकी यार यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो हमें ना सबसे पहले यहाँ पे ना ऑडिटोरियम को चेकआउट करते हैं कि यहाँ से तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यार ये डगन बॉस ना कुछ भी कर सकता है। अगर आप देख सकते हो यार यहाँ पे सामने की तरफ उसका बंदा यहाँ भी यार यहाँ पे लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो एक सेकेंड ना मैं भी यहाँ पे सिंपली निकलती हूँ, ताकि इन लोगों को भी मेरे पे शक ना हो कि मैं कोई और, जल्दी से मुझे अंदर घुसना पड़ेगा। ओके चलो यार मुझे किसी ने देखा नहीं। यार ये ड्राइवर कहाँ रह गया? भाई ड्राइवर इधर आता जल्दी से। भाई ये पुलिस वाले से क्या कर रहा है, पीटेगा क्या यार? ये खुद तो पीटेगा और अब मुझे भी मरवाएगा, सारा प्लान चौपट करेगा। और एक मिनट, ये ड्राइवर मुझसे कुछ कह रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे कारण नहीं तुम अपने कारण पीट सकती हो। ये लड़की की तरह क्यों चल रही हो लोगों को, यहाँ पे इनकी सारी आर्मी जो है वो लड़कों वाली, और तुम यार लड़कों के ड्रेस पहन के लड़की की तरह चल रही हो, थोड़ा सा अपना चाल ठीक करो। वैसे यार इसकी बात भी सही है, मुझे ना थोड़ा सा यार इन लोगों की तरह चलना पड़ेगा, नहीं तो यार हो सकता है इन लोगों को पता चल जाए कि ये कोई लड़का नहीं लड़की है। और ये पता चला ना तो यार ये लोग मेरा मास्क उतरवा करके ना तुरंत देख लेंगे कि मैं अमिंडा हूँ। वैसे गाइज यार मैं एक लड़की हूँ तो एक लड़की की तरह कैसे चल सकती हूँ, लेकिन फिर भी यार मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ। और यार ये ड्राइवर मुझसे बोल रहा है कि वेल डन अमिंडा, तुम यार तो बिल्कुल टॉमबॉय की तरह आप चल रही हो। चलो गाइज यार फिलहाल यहाँ पे ड्राइवर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, हम छोटी छोटी चीज़ों को ना इग्नोर कर देते हैं जिसके कारण से बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन यार यहाँ पे चल क्या रहा, यहाँ पे तो यार बहुत सारी पुलिस भी है। एक सेकेंड, ओके यहाँ पे यार कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, यहाँ पे डीजे वीजे सब लगा रखा है। भाई ये बंदा पता नहीं यहाँ पे क्या ही चल रहा है, ये लोग पूरा एक्साइटेड होकर के इसका फोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं। लेकिन यार इनसे मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है यहाँ के पुलिस वालों से, क्योंकि अंदर अभी बहुत ही ज़्यादा भसड़ बचने वाली है, तो हो सकता है कि ये पुलिस वाले हमें दिक्कत दे। लेकिन यार चलो वो अंडरग्राउंड है तो हम देखते हैं क्या होता है। अंडरग्राउंड है, हो सकता है कि हमारे लाइक इनको साउंड वाउंड ना आए और हमारा काम ईजिली हो जाए। बाकी यार एक काम करते हैं ना, अभी हम लोग अंदर की तरफ चल के देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चेकआउट करना पड़ेगा कि डगन बॉस और एल रूबियो यहाँ पे है या नहीं। वैसे गाइज यार इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे यार कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रखी है, पर यार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें यही टाइम चूज़ करना पड़ा, क्योंकि डगन बॉस ना इस वक्त रहता नहीं है अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन। बाकी यार देखते हैं अब जो भी होगा देखा जाएगा। और वैसे यार इसके सारे बंदे यार देखो, यहाँ भी एक बंदा खड़ा हुआ है, और यार बाकी इसकी अलग अलग बंदे यार आप देख सकते हो उधर की तरफ ना
पेट्रोलिंग करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, बट फिलहाल यार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम ना सीधा चलते हैं पंकर की तरफ और देखते हैं वहाँ का हाल क्या रखा है। सबसे पहले यार हम लोग जा करके डंकन बॉस को चेक करेंगे, उसके बाद माइकल को कि माइकल यहाँ पे है भी या नहीं, क्योंकि यार अभी अभी ये ट्रेवर मुझसे बोल रहा है कि ये बहुत बड़े माफिया है और इनका दिमाग ना कभी भी कुछ भी यार कर सकता है। ये हो सकता है कि उसको यहाँ से शिफ्ट ना कर दिए हो, तो पहले चल करके ना हमें वो चेक करना पड़ेगा कि वो लोग हैं भी या नहीं। वैसे यार इसकी सिक्योरिटी यार बहुत ज़्यादा तगड़ी है, आप देख सकते हो यार सारे के सारे बहुत ही स्किल्ड और बहुत ही प्रोफेशनल लग रहे हैं मुझे। पर कोई नहीं यार, एक सेकेंड, ये ट्रेवर कहाँ रह गया भाई? ये ट्रेवर भी ना बिल्कुल अजीब है, पता नहीं कहाँ पे रह गया यार। एक बार मुझे जा करके देखना पड़ेगा ना कि आखिर ये कहाँ अटक गया। एक सेकेंड, ये सामने से आ रहा है भाई साहब। ये बंदा ना यार मुझे कभी मरवा के ही मानेगा यार, अकेले वहाँ पे रह रहा है, क्योंकि यार इन लोगों को अगर जरा भी हम पे शक हो गया ना कि हम इनके रियल वाले आर्मी नहीं है, तो ये हमारा यही पे ना मार के कचुम्बर निकाल देंगे। फिलहाल यार हम लोगों को सबसे बड़े काम को अंजाम देना है, वो भी टाइम से पहले, क्योंकि डगन बॉस ना, पहले तो यार हम लोग जा करके देखते हैं कि यहाँ पे डगन बॉस है भी या नहीं। हमारे यार इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डगन बॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो हुआ ना तो उसका कोई भरोसा नहीं है यार, वो ना कभी भी यहाँ पे चेक करने को आते रहता है। एक सेकंड, पहले यार हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ओके, पिछली बार तो यहीं पे डगन बॉस और एल रूबियो ना मीटिंग कर रहे थे, और अभी तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग ना अंदर जा कर के देखते हैं। ओके, तो गाइज यार अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लेस्टर और माइकल अभी भी यहीं पे सही सलामत है। तो चलो यार, एक चीज़ तो बहुत ही सही है कि ये लोग यार यहाँ पे बिल्कुल सेफ है अभी, और यहाँ पे डगन बॉस भी नहीं है जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। अब हमारा काम ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। एक बार हम लोग ना इसके अंदर भी, अंदर साइड भी जा करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि यार थोड़ा हमें सेफली ये ना सब काम करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ना कुछ भी करने से पहले अंदर जा करके एक बार चेक करते हैं कि कहीं ये लोग अंदर तो नहीं है। भाई ड्राइवर जल्दी से दौड़ के मेरे साथ आ जा, क्योंकि हमें ना अंदर जा कर के भी चेक करना पड़ेगा। बाकी यार इसके बंदे भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, और यार ये ट्रेवर वापस से कहाँ पे रह गया? एक सेकंड, ओ भाई साहब ये सारे बंदे यार किसको मारने लगे? भाई ये ट्रेवर ना मुझे मरवा के मानेगा यार, अब हमें इन लोगों को ना कैसे भी करके यहाँ पे मारना पड़ेगा। और यार यहाँ पे हम साइड में, भाई ट्रेवर तू क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी से मारो इन सबको यार, ये बंदा ना यार हमें एक दिन मरवा के मानेगा। चलो गाइस यार अब तो यार जंग यहाँ पे छिड़ी चुकी है, और हम लोग को कैसे भी करके इन सारे लोग को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। ये तो एक अच्छा बात है कि यहाँ पे डगन बॉस और एल रूबियो नहीं है, अगर वो यहाँ पे होता ना यार तो हम बहुत ही बुरा फंसने वाले थे अभी ट्रेवर के चक्कर में। यार गाइस अभी एक काम करती हूँ ना, मैंने फटाक से यहाँ पे मशीन गन निकाल करके इन लोगों को मारना स्टार्ट करती हूँ। फिलहाल यार मैं इस लाइट वाले गन से ना इनको मारती हूँ, ये सारे को यहाँ पे मार के ख़त्म करना पड़ेगा। चलो गाइस यार अभी अंदर के साइड, ओ भाई साहब ये बंदा यार आरपीजी लेकर के आया हुआ है। ये ट्रेवर को यार बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये तो यार एक एक आरपीजी में यार चार चार बंदे उड़ा रहा है। चलो गाइस यार मैं भी एक काम करती हूँ, आरपीजी ही निकालती हूँ, क्योंकि ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड हो रहा है। तेरी भैंस की चल निकल। गाइस यार अभी अभी हम लोग, आप देख सकते हो यहाँ पे यार बहुत ही खतरनाक वाली फाइट हो रखी है, और इसके बंदे यार यहाँ पे, एक सेकेंड मारो इनको भैंस की आग। तो गाइस यार हमें लग रहा है यहाँ पे यार इसके बंदे सारे मर चुके हैं। एक सेकेंड, एक यहाँ पे भी है भाई साहब, अभी यार शायद हम लोग यहाँ पे सारे बंदे को मार चुके हैं। एक सेकेंड, ये फायरिंग कहाँ से आ रही है यार, अभी भी कोई फायर कर रहा है। केरी भैंस की ऐसी के तैसी चल निकल। भाई साहब यहाँ पे यार हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला दंगा कर दिया यार, ये बंदा क्यों नहीं मर रहा है, इसकी माँ की आँख। चलो गाइस यार फाइनली ये भी मर गया है, और यार यहाँ पे देखो यार कितने सारे पैसे हैं, ये वही पैसे हैं जिसको डगन बॉस ने माइकल से छीना था। अब ये पैसे ना हम वापस से लेके जाने वाले हैं, लेकिन एक सेकेंड कोई बंदा इधर से भी फायर कर रहा है। भाई इसके अंदर छुपा, रुको अभी ना इसको मैं हेडशॉट मारती हूँ। ये बंदा इसके अंदर भी जा कर के छुपा हुआ है, इसकी भैंस की आँख। चलो गाइस यार ये बंदा तो यहाँ पे मर गया, और शायद यार अभी सारे बंदे मर चुके हैं। एक बार ना हम लोग आगे भी जा कर के चेक कर लेते हैं, क्या पता वहाँ भी कुछ बंदे बचे हो। ड्राइवर जल्दी से मेरे साथ साथ आ जाओ। इधर तो कोई भी नहीं है। वैसे यार ड्राइवर यार है तो बहुत ही खतरनाक। वैसे यार आपको ड्राइवर का फाइट कैसा लगा, इसके लिए ना कमेंट में, अगर आपको अच्छा लगा है ना तो कमेंट में जल्दी से ड्राइवर ओपी स्पैम कर दो। वैसे यार यहाँ पे सारे बंदे लोग मर चुके हैं। एक सेकेंड, इसके अंदर भी जा करके देखना पड़ेगा कि एक बार ना हम लोग इधर भी जा करके देखते हैं कि इसके अंदर तो बंदे नहीं है। चलो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। एक ना यहाँ पे वॉशरूम सेक्शन भी था, तो यार हमें देखना पड़ेगा कि कहीं वॉशरूम में भी तो कोई छुपा नहीं है। एक सेकेंड यार ये वॉशरूम कहाँ है,
मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ये ड्राइवर बोल रहा है कि इस साइड है। ओके चलो चल करके देखते हैं। पहले यार हमें चेक करना पड़ेगा इसके अंदर भी तो कहीं बंदे बंदे तो नहीं बचे। चलो गाइस यार अभी यहाँ पर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमें एक एक बाथरूम भी चेक करना पड़ेगा। ओ भाई साहब एक सेकेंड, ये बंदा यहाँ पे कौन है जो यहाँ पे आकर के मरा हुआ है? यार इस बंदे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। पता नहीं यार ये डक्कन बॉस यार किसको क्या ही करके रखा है। और यहाँ पे हो सकता है यार कि माइकल और लेस्टर के अलावा वो किसी और को भी किडनैप करके रखा हो। बाकी यार ये बंदा यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है मर चुका है। ट्रेवर भी इसे चेक कर रहा है और यार ये भी कंफर्म कर रहा है कि ये बंदा यहाँ पे मरा हुआ है। बाकी यार एक रूम तो मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, एक सेकंड इसके अंदर जा कर के देखते हैं क्या है। ओके भाई साहब ये तो क्या कुछ अलग ही सीन हो रखा है यार। यहाँ पे ट्रेवर बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भूत भूत करके तो नहीं रखा है यार, यहाँ से निकलो, यहाँ पे तो मुझे अलग ही डर लग रहा है। वैसे यार हमारा काम शायद यहाँ पे हो चुका है, एक बार हम ना ऊपर जा कर के ट्रेवर सॉरी माइकल और लेस्टर को भी जा कर के देखते हैं कि वो दोनों सही है सलामत है या नहीं। बाकी गाइज हमारा ना 50% प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। हम लोगों ने इनके सारे आर्मी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। और पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे माइकल और लेस्टर तो यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक है। चलो यार एक चीज़ तो अच्छा हुआ कि ये दोनों यहाँ पे, इन लोगों को किसी ने कुछ नहीं किया। और ना मैं यहाँ पे अभी चाहूँ तो लेस्टर को सारी सच्चाई बता सकती हूँ कि मैं अमेंडा हूँ, लेकिन यार अभी मैं ना ज़्यादा किसी को बताना नहीं चाहती, क्योंकि हो सकता है यार कि ये लोग ना ये क्योंकि हो सकता है ना कि ये लोग लेस्टर को टॉर्चर कर करके इससे सच्चाई उगलवा ले। तो यार इट्स बेटर कि अभी इसको भी हम सच्चाई ना बताएं, क्योंकि अभी हमारा प्लान यहाँ से कुछ और ही होने वाला है। तो अभी हमारा ना एक यहाँ पे हम लोगों ने ये सोचा है कि अभी हम लोग ना कॉल करके खुद ही डग्गन बॉस को यहाँ पे बुलाएंगे और यहाँ पे ना उसको सारी बातें बताएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ और कैसे मैंने यहाँ पे लेस्टर और माइकल को वापस से किडनैप होने से बचाया है। वैसे गाइस यहाँ पे ट्रेवर मुझे बोल रहा है ना कि एक बार हमें बाहर भी चल के देख लेना चाहिए कि बाहर सारा माहौल सही है या नहीं, क्योंकि यार हो सकता है कि बाहर भी कहीं कुछ भसड़ ना मची हो। क्योंकि बाहर यार आपको याद हो कि ऑडिटोरियम के साइड ना बहुत सारे पुलिस वाले थे। तो हमने एक काम करते हैं, एक सेकेंड भाई साहब ट्रेवर ने यार बिल्कुल सही बोला, ये बंदे यार पुलिस वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब ये लोग यार, इन लोग को पता चल गया कि यहाँ पे बसर मच चुकी है और ये पुलिस वाले यार फायरिंग कर रहे हैं। एक सेकंड यार हमें इनको भी मारना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। यार ये गलत हो गया, ये नहीं होना था। यहाँ पे यार सारी पब्लिक यहाँ से भाग चुकी है और यहाँ पे यार सिर्फ ये पुलिस वाले हैं। यार जल्दी से ड्राइवर इन लोगों को मारो और ख़त्म करो, क्योंकि यार अगर डग्गन बॉस अभी आ गया और ऐसे फाइट करते हुए देखा ना तो उसे हम पे बिल्कुल ही शक हो जाएगा या फिर यकीन भी हो जाए। हमारा मास्क उतरवा करके ना वो चेक भी कर सकता है। एक सेकेंड यार यहाँ से सारी पब्लिक, आप लोगों ने देखा तो उसमें कितनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन यार अभी यहाँ पे ना पूरी पब्लिक यहाँ से भाग चुकी है। और यार ये पुलिस वाले की बहस की ऐसी की तैसी। यार ये पुलिस वालों से ना हर बारी ऐसा होता है यार, हम कुछ करने जाते हैं और हमेशा ये पुलिस वालों से ना पंगा ही हो जाता है जो कि हम करना नहीं चाहते हैं। इस बंदे को भी यहाँ से मार के निकालना पड़ेगा। ओके ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोगों ने सारे लोगों को मार दिया है। चलो गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे सारे लोगों को मार दिया है। अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से डग्गन बॉस को कॉल करते हैं। एक सेकेंड ये फायर कहाँ से आ रहा है भाई? भाई ड्राइवर देख यार ये फायर कहाँ से आ रहा है? यार एक बंदा अभी भी है, एक पुलिस वाला अभी भी है जो छुप छुप करके हमें फायर कर रहा है। मैंने उसको ढूंढ करके उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी जिंदा रहा ना तो आगे यार और भी पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ सकते हैं। वैसे लॉस एंटोस की पुलिस यार हमारे पीछे ऑलरेडी पड़ी हुई है। एक सेकेंड यार ये कहाँ से फायर आ रहा है? ये बंदा हमें दिखाई तक नहीं दे रहा है। ड्राइवर जल्दी से ढूंढो यार, हमें इसे ख़त्म करके आगे का भी प्रोसेस जल्दी से ख़त्म करना होगा डग्गन बॉस के आने से पहले। चलो गाइस हमें जल्दी से ना अंदर की तरफ जाना पड़ेगा और अपने बाकी के काम को ना अंजाम देना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे ना ट्रेवर को यहाँ से वापस भेजती हूँ। चलो गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे सारे लोगों को ख़त्म कर दिया, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अभी सारी चीज़ें चल रही हैं और मैंने ना यहाँ से ड्राइवर को जाने को बोल दिया है। फिलहाल गाइस यार मैंने यहाँ से ना ड्राइवर को जाने के लिए बोल दिया है और अब मैं करने वाली हूँ कॉल डग्गन बॉस को और उसे यहाँ पे बुलाऊंगी और उसे ना ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैंने कैसे माइकल और लेस्टर को ना वापस से किडनैप होने के लिए
वापस से किडनैप होने से ना बचाया है कि कोई बंदा यहाँ पे आया था जो कि उनको वापस से ले जाने वाला था। तो गाइज हो सकता है कि वो ना मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे और अपनी आर्मी से ज़्यादा मुझ पे ट्रस्ट करे और इनकी निगरानी ना मेरे हाथ में दे दे, जो कि हमारा प्लान था। चलो गाइज यार, मैंने यहाँ पे डगन बॉस को कॉल कर दिया है और मैंने उसे बता दिया है कि यहाँ पे ना बहुत ही बुरा हाल हो रखा है, जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ पे आ जाए। और मैं यार थोड़ा सा ना ऐसे लंगड़ाने की ना प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि डगन बॉस को ये यकीन हो जाए कि मैंने सच में यार सिर्फ उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी गोलियाँ खाई हैं। और आपको याद होगा कि जब वो लेस्टर और माइकल को ना यहाँ पे शिफ्ट कर रहा था तो वो उसने मुझे बताया नहीं था। अभी वो आकर के मुझसे ये सवाल जरूर करेगा कि तुम्हें यहाँ की लोकेशन कैसे पता, और मैं यहाँ पे उसको बोल दूंगी कि उसकी आर्मी की बस अड़ना मैंने किसी से होते हुए देखी और मैं सीधा यार उसके इसी में ना कूद पड़ी। फिलहाल यार यहाँ पे मुझे ना अपनी ड्रेस यहाँ पे पहननी पड़ेगी, अगर वो देखेगा कि मैं उनकी ड्रेस पहनी हूँ ना तो यार उस बंदे को शक हो सकता है। ऑल राइट गाइज, यार मैंने यहाँ पे ना कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि डगन बॉस ना कभी भी आता होगा, मैंने उसको कॉल करके सारी चीज़ें बता दी है, वो बंदा ना बिल्कुल दौड़ता भागता यहाँ पे आने वाला है क्योंकि यार उसको माइकल से बहुत ज़्यादा अभी फ़ायदा है, इसलिए यार उसने यहाँ पे उसको किडनैप करके रखा है। और अगर अभी वो सुना है ना कि उन पे हमला हुआ है, उनको वापस से कोई यहाँ पे किडनैप करने आया था, तो यार वो बंदा ना बिल्कुल दौड़ता भागता यहाँ पे आता ही होगा। बाकी यार हम लोग ना यहाँ पे वेट करते हैं जब तक कि डगन बॉस ना आ जाए, उसके बाद यार देखते हैं कि क्या होने वाला है। एक सेकेंड, लो डगन बॉस का नाम लिया और ये यहाँ पे हाजिर हो गया। और ये बंदा यार बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा है और ये बोल रहा है कि सबसे पहले मुझे ये दिखाओ कि लेस्टर और माइकल सही सलामत है या नहीं। बाकी यार मैंने इसको बोल दिया है सही सलामत है, लेकिन इस बंदे को यकीन नहीं है। भाई साहब देख रहे हो कैसे यार दौड़ करके ना उनको देखने के लिए जा रहा है। वैसे यार मैं तो अभी नाटक कर रही थी चोट लगने का, लेकिन यार मुझे सच में ही काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ लग चुकी थी। वैसे यार वेस्ट ने मुझे काफ़ी बचाया है, बट स्टिल यार मुझे ना काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। एक बार मुझे ना अंदर जा कर के देखती हूँ कि ये बंदा, चलो गाइस यार ये बंदा यार थोड़ा सा अभी इसको ना राहत की सांस आई होगी। और ये डगन बॉस मुझे बोल रहा है कि तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यार मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है कि इस बंदे को कहीं मेरे पे शक तो नहीं है। वैसे यार मैंने बहुत बड़ा काम किया, इसको शक तो नहीं होना चाहिए। चलो यार ये अपनी ऑफिस एरिया में मुझे बुला रहा है, एक सेकेंड यार इससे बात करते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है। ऑल राइट गाइस, यार ये बंदा मुझसे बोल रहा है कि यहाँ पे आखिर कैसे हुआ ये सब और वो लोग कौन थे। तो यार मैंने इसको बोल दिया यार कि उन बंदों का मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि सारे लोगों ने ना मास्क लगा रखा था, लेकिन वो कोई 4 से 5 बंदे थे। और यार मेरा जो मैंने बोला था यार ये बिल्कुल सही है, ये बंदा मुझे बोल रहा है कि तुम्हें आखिर यहाँ की लोकेशन कैसे पता। यार ये बंदा तो अब मुझ पर ही शक कर रहा है। मैं यार मैंने इसको बोल दिया है कि मैं यहाँ से जस्ट गुजर रही थी, अपने घर की तरफ जा रही थी, तो मुझे इसके ही आर्मी के बंदे जी दिखाई दिए जो कि बाहर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो रखे थे। तो मैं यहाँ अंदर घुस करके बिना कुछ सोचे समझे मैं उनसे फाइट करी हूँ और इन लोगों को यहाँ से जाने से बचाई हूँ। वैसे यार इस बंदे को शक हो जाता मुझ पर अगर यहाँ पर माइकल और लेस्टर यहाँ से गायब होते। फिलहाल यार यहाँ पे लेस्टर और माइकल हैं, तो इस बंदे को यार मुझ पे बहुत ही ज़्यादा यकीन हो गया है कि ये लड़की सही बोल रही है और ये लड़की ना बहुत ही काम की चीज़ है। और ये एक मिनट, ये बंदा मुझे बोल रहा है ना कि इनकी निगरानी अब तुम रखोगी, जो कि यार हमारा प्लान था। यार ट्रेवर ने यार बहुत ही खतरनाक सा प्लान बनाया था और वो प्लान ना मुझे सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बंदा बोल रहा है लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ना अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे रखनी पड़ेगी क्योंकि इसको ना अपनी सिक्योरिटी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है कि 4 से 5 बंदे कैसे आ करके इसके पूरे भाई 200 की आर्मी को मार के चले गए हैं। तो ये मुझे बोल रहा है ना कि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, अब इन ये लोग, ये माइकल और लेस्टर इसके बहुत बड़े दुश्मन हैं, तो मुझे उनका ना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा और अपनी सिक्योरिटी के साथ रखना पड़ेगा। फिलहाल ये डगन बॉस बोल रहा है कि इसको यहाँ से जाना पड़ेगा और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन लोगों को शिफ्ट करूँ किसी दूसरे बंकर पे जो कि सीक्रेट लोकेशन होगा और वहाँ पे मुझे अपनी सिक्योरिटी को लगानी होगी। चलो गाइस यार एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ कि ये लेस्टर और माइकल की निगरानी ना मुझे मिल गई है और अब ना इनको मैं अपने पास रख करके और इनका इलाज ना बहुत अच्छे से करवा सकती हूँ, क्योंकि ना माइकल का कोमा से बाहर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उस दिन मेरे डॉक्टर से बात हुई थी और वो डॉक्टर बोल रहा था कि अगर माइकल जल्द से जल्द कोमा से बाहर नहीं आया तो ये पैरालाइज्ड भी हो सकता है। तो यार मुझे उस बात का ख्याल रखना पड़ेगा और यहाँ पे तो इन लोगों ने इसको डॉक्टर तो बिल्कुल ही असाइन करके नहीं रखा था। अब ये मेरे पास रहेगा तो मैं ना अपने अकॉर्डिंग इसका इलाज भी कर पाऊँगी और डगन बॉस के नज़र में ना मैं एक
उसका बोल सकते हो कि राइट हैंड भी बन करके सक्सेसफुली रह पाऊंगी। चलो गाइस यार, फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम इनको क्या कर सकते हैं। हम लोगों को पहले ना इनको एक अच्छी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। वैसे यार थोड़ी देर हम यहाँ पे इनको रखते हैं, हॉर्नर ट्रेवर को वापस से कॉल करके बुलाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि आगे का प्लान अब क्या करना है। ऑल राइट गाइज यार, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप बस अपना प्यार मुझे लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू देते रहो, मैं आपको ऐसे ही तगड़े तगड़े एपिसोड दिखाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।